हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। दोस्तों मैं हूँ पूजा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजॉन शॉपिंग हॉल। गाइस यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट परचेज किए हैं। वैसे मैंने बाई तो काफ़ी सारा आइटम किया है, बट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है मुझे। मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँ। कुछ हाउस होल्ड के लिए भी मैंने आइटम परचेज किए हैं, और मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना है। फिर मैं जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मैं अपनी शॉपिंग वगैरह शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक बात करूँ मैं अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट की। सो मुझे फर्स्ट यहाँ पर परचेज किया है कुछ इस तरीके से एयरिंग, जो आजकल एयरिंग चलती है ना पर्ल्स वाली, वो वाली मैंने यहाँ पर परचेज की है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कुछ इस तरीके से बड़ा बीड्स हैं, उसके बाद छोटा सा बीड्स है। ये फ्रंट पे आपको छोटा वाला करना है एंड बैक पे आपको बड़ा वाला करना है, तो बहुत ही अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको फटाक से डाल करके हम मिलते हैं। आज कुछ इस तरीके से मैंने बेयर कर लिया है। देखो, फ्रंट से आपको छोटा सा मिलेगा और बैक से आपको बड़ा सा मिलेगा, मतलब ऐसा दिखता रहता है ये कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो, आप बहुत ही सुंदर लुक मिल जाता है। मेरा ये चीज़ बहुत ऊपर कराया गया है फेयरिंग, सो इसलिए मतलब नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा लुक आपको लग जाता है, मिल जाता है इसका। सो आप लोग अगर बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे ऑफर पड़ा है मुझे, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। गाइस बात करूँ अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, सो ये थोड़ा सा हट करके है, बिकॉज हाउस होल्ड के लिए परचेज किया है मैंने। और ये है वोडी यूनियो आर्म्स का पेपर फॉइल, और गाइस ये 20 मीटर का होता है। मैं इसे 5 to 6 ईयर से यूज कर रही हूँ, और इसमें मैं अपने बच्चों को मतलब चपाती वगैरह, पराठे वगैरह, फिर मतलब बोल सकते हो आप जो लंच बॉक्स का हमारा वो होता है टिफ़न, उसमें मैं पैक करके देती हूँ, आता है। और ये है रीहीटेबल है, नॉन स्टिक है, ग्रीस प्रूफ है, ओवन सेफ है, इको फ्रेंडली है ये। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से इनके बहुत सारे आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। सो अंदर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेपर मिलता है। ये जो पेपर फॉइल है, ये आपको 20 मीटर की क्वांटिटी में मिलती है। इसकी जो लेंथ है 20 मीटर की है। गाइज इसकी प्रॉपर MRP 299 रुपीज़ है, मतलब 300 रुपीज़ कर दिया है अब, लेकिन कि आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा है 168 रुपीज़ का, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है वैसे ही, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट बहुत ही अच्छे ऑफर पड़ा है, सो इसलिए मैंने बाय किया है ये। तो अगर आप माइक्रोवेव वगैरह कुछ भी करते हो, तो इससे आप कर सकते हो आराम से, काफ़ी अच्छा रहता है ये। हे गाइस, बात करूँ मैं अपने थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट की, बट नॉट लिस्ट की। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाई की हुई है एक हैंडबैग, आप बोल सकते हो लाबी ब्रांड की। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया ये बैग, बिकॉज इसका लुक देखो, पैकिंग वगैरह कुछ इस तरीके से करके इन्होंने दी है, और ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। जो स्कूल वाला बैग होता ना, उसकी फीलिंग आ रही है। सो मैंने यहाँ पर परचेज किया है टैन कलर। इसमें कलर के बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह आई है, कुछ इस तरीके से इसको कवर किया गया था, और बाहर के लिए किस तरीके से बैग दिया गया है, उससे ऊपर इस तरीके से पॉलीथीन थी। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा है 1400 या 1300 समथिंग का, और आई थिंक इसकी प्रॉपर MRP इसमें मेंशंस है 4499, मतलब 4500 रुपये है ये। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर परचेज किया है इसे। बात करूँ फ्रंट की, तो यहाँ पे लाबी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। दो आपको यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग दी गई है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन दी गई है जो आराम से अच्छे से लॉक हो जाती है। कुछ इस तरीके से दोनों साइड से यहाँ पर लूप दिए गए हैं स्टेनलेस स्टील के, और इसके ऊपर कोटिंग की गई गोल्ड करके, जिससे कि कलर वगैरह नहीं फेड होगा इसका। बात करूँ बैग की, बैग आपको एक यहाँ पर चैन मिल जाती है, छोटी सी पॉकेट बोल सकते हो, कंपार्टमेंट है ये। इसमें भी आपको लाबी का डिटेल मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे रनर की क्वालिटी है। एंड यहाँ पर एक आपको हैंडल दिया जाता है, अगर आप इसे एज ए शोल्डर बैग, एज ए सलिंग बैग नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप इसे एज ए हैंड बैग भी यूज कर सकते हो। 1 मिनट, कुछ इस तरीके से करके भी आप इसे ले सकते हो, अच्छे से अपने लुक को कम्प्लीट कर सकते हो। और गाइस टैन एंड ब्लैक कलर तो आपके हर एक वार्डरोब में होने चाहिए, बिकॉज ये ऐसे कलर हैं, कॉमन कलर हैं, हर एक कलर के साथ चले जाते हैं, हर एक आउटफिट साथ चले जाते हैं। ब्लैक कलर हो गया, टैन कलर हो गया, आप किसी भी आउटफिट के साथ इन्हें डायरेक्टली स्टाइल कर सकते हो, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी आप इन्हें स्टाइल कर सकते हो। सो आपको कुछ इस तरीके से ओपन मिल जाता है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक बटन मिलती है। बात करूँ इसके मेन कंपार्टमेंट की, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जिप मिलती है, रनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर लेदर का काम किया गया है। ठीक है, अंदर काफ़ी अच्छा फिलिंग करके दिया है, जो इसका शेप है गाइस, जो शेप बनाए रखने के लिए इसमें काफ़ी अच्छी फिलिंग करके दी गई है। अगर आप अच्छे टाइम तक इसे यूज करना चाहते हो, तो आपको इसकी फिलिंग जो है वो कभी भी अनफिलिंग नहीं करनी चाहिए, फिर मतलब इसको फेंकना नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसके अंदर फिल करके रखना चाहिए, जिससे कि इसका शेप बना रहेगा, तभी अच्छा सा लुक आपको मिलेगा। बात करूँ अंदर की, तो अंदर कुछ इस तरीके से पैक करके दिया है इन्होंने। अंदर आपको कुछ इस तरीके से सीलिंग मिल जाती है,
ठीक है। और ये सेलिंग काफ़ी अच्छी है, 10 कलर की सेलिंग है। यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। दोनों साइड से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फंसाने के लिए दिया गया है ऑप्शंस, तो आप इसे आराम से इस साइड तक कर सकते हो, मतलब सॉरी फंसा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली आप इसे फंसाओ और आराम से अपनी जो हैंड बैग है उसको आप स्टाइल कर सकते हो। 1 मिनट, ये देखो बहुत ही अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। बात करूं अंदर के इसके स्पेस की, तो साइड में आपको एक यहाँ जिप मिलती है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई भी इंपॉर्टेंट अपना जो ज्वेलरी वगैरह है या फिर कैश वगैरह भी रख सकते हो आप। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक कंपार्टमेंट मिलता है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें लाइनिंग है, काफ़ी ज़्यादा थिक साटन वाली लाइनिंग है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, तो फटने वगैरह कोई भी चांस नहीं, ख़राब होने कोई चांस नहीं है। साइड में आपको यहाँ पर दो कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट मिलते हैं, फर्स्ट तो कुछ इस तरीके से है, सेकंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। एक में तो आप अपना सेलफोन वगैरह रख सकते हो, एक में आप वाइप्स रख सकते हो, मास्क रख सकते हो, अडाप्टर चार्जर की वायर वगैरह रख सकते हो। और अंदर आपको कुछ इस तरीके से अच्छा खासा स्पेस मिलता है, छोटा सा वाटर बॉटल, छोटा सा अम्ब्रेला इस टाइम के लिए, अपना थोड़ा सा मेकअप किट वगैरह या फिर अपना वॉलेट हो गया, सेलफोन हो गया, वो सब इसमें डाल सकते हो आप। टचअप के लिए 2-3 मेकअप प्रोडक्ट भी रख सकते हो, तो अच्छे तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो, किसी भी ड्रेस के साथ कहीं पे भी आप इसे आराम से स्टाइल कर सकते हो। डील थी इसलिए मैंने इसे बाई कर लिया, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे बाई किया है। हे गाइज, अगर आप लोग भी बाई करना चाहते हो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दे रही हूँ, आप उसके थ्रू इन्हें बाई कर सकते हो। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के आप लोग क्लिक करें, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जितनी सारी वीडियो लाने वाली हूँ, सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुँचती रहे और आप लोग डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हुए रहे। हे गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग शॉपिंग हॉल के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू।